कहना चाहूँगा इस पंचिंग बॉक्स बॉक्सिंग के बारे में कि क्या इंस्पायर किया आपको और क्या कहना चाहेंगे कितना बड़ा चैलेंज इसका ऑर्गेनाइज करना और जो लोग एसोसिएटेड हैं इससे उनके बारे में बताइए। वेल हमारी पंच बॉक्सिंग हमने स्टार्ट की थी 2016 में जहाँ पे हमने पहले इंडियन फाइटर्स के साथ हमने स्टार्ट करा था इसमें, फिर धीरे धीरे हमने इसको देहरादून में करा, फिर हमने इसको गोवा में करा लास्ट नवंबर में, अब हम बॉम्बे आए हैं। तो हमारा प्लान है पूरे ऑल ओवर इंडिया इस पंच बॉक्सिंग को एक्सप्लोर करना। पंच बॉक्सिंग एक प्रोफेशनल बॉक्सिंग सीरीज है जो कि इंडिया में अभी ये कॉन्सेप्ट अभी डेवलप हो रहा है और काफ़ी नए फाइटर्स इंडिया में एमेच्योर फाइटर्स अभी चलते हैं, हम फाइटर्स को प्रोफेशनल टर्न कर रहे हैं, जिसकी कि अगर आप देखेंगे बॉक्सिंग इंडिया क्या वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट स्पोर्ट्स है, सबसे ज़्यादा जो एथलीट्स हैं वो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा रिचेस्ट एथलीट। तो वो कॉन्सेप्ट हम अपने इंडियन फाइटर्स को एक बार देना चाहते हैं, उनको ग्लैमराइज करना चाहते हैं स्पोर्ट्स को, और उसके लिए हम ये एफर्ट कर रहे हैं सर। होपफुली बॉम्बे में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है हमारी स्पॉन्सरशिप का, टेक्नो फिल्म से हमें स्पॉन्सर करा है, हमारी सेंचरिंग बॉडी है इंडियन बॉक्सिंग काउंसिल, जो रेफरी एंड जजेस हमारे होते हैं दे आर वेरी हाईली क्वालिफाइड, तो वो ताकि बॉक्सर की सेफ्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पंच बॉक्सिंग एक ऐसा एक ब्रांड है जो बॉक्सर्स के लिए और इस बॉक्सिंग स्पोर्ट्स के लिए इंडिया के अंदर ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं और अभी तक लकीली हम इसको बहुत फेमस कर चुके हैं और काफ़ी लकी रहे हैं कि इसको और भी ज़्यादा फेमस करने का हमारा प्लान है, इसको इंटरनेशनल लेके जाना है। इंडियन फाइटर्स को जैसे आज हमने इंटरनेशनल फाइटर्स को इंडिया बुलाया, अब हम इंडियन फाइटर्स को इंटरनेशनल ले जाने का प्लान है। तो आगे का विजन क्या है, किस तरह से वर्ल्ड लार्जेस्ट लाइफ थ्रू करना चाहते हैं इस कॉन्सेप्ट को? इसका विजन एक ही है कि हम इंडियन फाइटर्स को वर्ल्ड चैम्पियन बनाना उनको। अभी हमारे इंडियन फाइटर्स ओलंपियन हैं, ओलंपिक्स लेकर आए हैं और एशियन मेडलिस्ट हैं, बट ये सब एमेच्योर बॉक्सिंग है। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में भी इंडियन फाइटर्स का एक अपना रुतबा बढ़ता जा रहा है, तो उनको इंडिया में ऐसे शोज चाहिए जहाँ पे उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले और उनका एक्सपीरियंस डेवलप हो जिसके साथ साथ, तो ये शोज़ जितने होते रहेंगे इंडिया में वही उनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, तो हम धीरे धीरे उनको एक इस प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे कि वर्ल्ड चैम्पियन बने। तो ये एक विजन है हमारा, बस इंडिया से हमारे वर्ल्ड चैम्पियन इंडिया से। तो ये मानना चाहूँ कि कोई सेलिब्रिटी ऐसा बॉक्सर है, मतलब जैसा बताया आपने ओलंपियन हैं, वीरेंद्र सिंह हैं, सुशील हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पीड से एसोसिएटेड हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इन्हीं लोगों की वजह से ही नए बॉक्सर्स का इंटरेस्ट इसमें डेवलप हुआ है। विजेंद्र सिंह जब प्रोफेशनल टर्न हुए तो कई ऐसे यूथ बॉक्सर्स थे जो एमेच्योर से प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आ गए, तो ये लोग हैं जिन्होंने ये ड्रीम अपकमिंग बॉक्सर्स को दिया है। वी आर रियली थैंकफुल टू देम एंड वी आर वर्किंग हार्ड टू प्रोवाइड दैट प्लेटफॉर्म, कि एक नज़रिया भी होता है कि बॉक्सर्स को जाना कहाँ है वो बताना बहुत ज़रूरी है, तो वी आर डूइंग दैट जॉब कि बॉक्सर्स को एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ के वो परफॉर्म कर सके, ये हमारा जॉब है। बाकी इनका तो काफ़ी बड़ा ही योगदान है बॉक्सिंग के लिए, विजेंद्र सिंह का, मैरी कॉम है, ऐसे काफ़ी बॉक्सर्स हैं जिन्होंने एक विजन इन बॉक्सर्स को दिया। वी आर जस्ट डेवलपिंग दैट विजन। थैंक यू सर। थैंक यू।